सीधा से टैक्सी मिल जाती है, आसानी से ही मिल जाती है। जमजम का पानी अभी माशाल्लाह। कहीं तो कोई गाल सुना वहाँ, हम तो घर खड़ा खोता हो खड़ा रड़ता जो खड़े मेरा यार पठान कुरान दी कसम मैं जीत हो गया हूं तही खड़ा। क्या लेते थे पिछू अम्मा बैठे थे को भी लहू खुदा चावी से। अभी टैक्सी में बैठा हुआ हूँ और रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज गया मेरे ख्याल से। करीना से अजीज़िया गया था, अजीज़िया एक दोस्तों के घर और दोस्तों से के घर से जो है मक्का से मैंने टैक्सी उठाई और अभी जा रहे हैं मक्का में और इंशाल्लाह हरम पाक में जाएंगे, ज्यारत करेंगे उधर कज़न वगैरह उनके साथ, फिर मदीना चले जाएँगे और मिलते हैं आपको उधर हरम में ही इंशाल्लाह। आ जाएँ किंग खड़ा हुआ है भाई। फाइनली हम जो है ना हरम के सामने पहुंच गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सामने मेरे हरम पाक है और आप भी देख सकते हैं, हम इस टैक्सी पे आए थे और अभी देखते हैं अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे। भाई जिद्दा से टैक्सी मिल जाती है, आसानी से ही मिल जाती है और तकरीबन 20 रियाल लेते हैं। अगर बड़ी हो H1 जिस तरह 9 सीटर गाड़ी होती है 7 सीटर तो उसका 15 रियाल लेते हैं, अगर आप छोटी गाड़ी में बैठते हैं तो उधर का जो है ना आप 20 रियाल लेते हैं। हाँ जी बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये सामने क्लॉक टावर है आप देख सकते हैं और ये है जी हरम पाक। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बग़ैर एहराम वालों को अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे, क्योंकि अंदर सिर्फ एंट्री एहराम वालों की होती है, जो उमरा करते हैं ना तो उनको ही सैन में जाने देते हैं, बाकी को नहीं जाने देते। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे पास बड़ा बैग है, मेरे ख्याल से इसको लॉजिक में रखना पड़ेगा। हाँ जी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं इधर वॉशरूम, इधर वज़ू करेंगे, वज़ू करके बाद में जाएंगे इंशाल्लाह हरम में, अगर उन्होंने इंटर होने दिया, नहीं तो फिर बाहर ही नवाफिल पढ़ेंगे और फिर मस्जिद ऐशा चले जाएँगे, उधर ही कज़न लोग आएँगे, उधर ही गाड़ी खड़ी हुई है तो वहाँ से ही फिर मदीना इंशाल्लाह। सारे हुजाज करम माशाल्लाह उमरा करने वाले इधर वजू कर रहे हैं सारे और ये वाशरूम है माशाल्लाह, अभी अभी क्लीनिंग हुई है इनकी। ये सारे न्यू बने हुए हैं भाई, रिपेयर हुए पड़े हैं। पहले जो इनके गेट होते थे ना वो ऑरेंज कलर के होते थे, अभी वाइट कलर के हो गए। तो भाई अभी हम जो है ना हरम पाक में मौजूद हैं, ये बैग रखने वाला जो होता है ना इधर संदूक बने होते हैं वो मुझे मिल नहीं रहे और अब ये नहीं पता कि सैन की तरफ तो नहीं जाने दे रहे, क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ जो तवाफ़ करने जा रहे हैं उमरा के लिए उनको जाने दे रहे हैं बस। और मुझे नहीं पता कि जो ऊपर वाले हैं ना जो दौर बने होते हैं ना फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर जहाँ पर बग़ैर तवाफ वालों बग़ैर उमरा करने वालों को जाने देते हैं, तो उसका मुझे नहीं पता कि उसका किधर से रास्ता है, क्योंकि हर जगह से ही इन्होंने बंद किए हुए हैं
और मुझे नहीं पता क्योंकि मक्का में इतना नहीं रहते ना, मदीना में तो सारा कुछ हमें पता था कि मेरे पास ये बैग है। पहले तो ये बैग वाले संदूक नहीं मिल रहे कि किधर हैं, वो होते थे मैंने इधर देखे हैं, मदीना में तो हैं सामने ही हैं लेकिन इधर मक्का में नहीं नज़र आ रहे, पता नहीं किधर हैं यार। एक दो बंदों से मैंने पूछा भी है सफाई वालों से, उन लोगों ने भी बोला है कि नहीं है, आप किसी नाई के पास जाएं, उसकी दुकान में ये बैग रख दें, वो आपसे पैसे लेगा, बाद में आप जो है ना वहाँ से उठा लें। तो नाई की दुकानें भी बहुत दूर दूर हैं भाई। तो खैर हम इधर ही बैठे हुए हैं और नवाफिल वगैरह पढ़ लिए हैं और अभी कज़न लोगों का इंतज़ार करता हूँ, वो इधर से आएंगे फिर इधर से निकलेंगे, मस्जिद आयशा पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, उधर से ही निकलेंगे फिर इंशाल्लाह मदीना की तरफ। कल मदीना में होंगे और अभी फ़िलहाल मक्का में। ये अभी आप देख सकते हो जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये सामने क्लॉक टावर है और हम मेरे ख्याल से बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ पे हैं। हाँ जी, शाह अब्दुल अज़ीज़ गेट नंबर 1। हाँ जी, ये सामने गेट है, 79 नंबर है गेट का और कुछ इस तरह का सीन है। जी जमजम का पानी अभी माशाल्लाह। अच्छा, ये ठंडा पानी है और ये नॉट कूल्ड है, ठीक है ना। इसमें दो कैटेगरी रखी होती हैं कि जिसको जो वाला चाहिए वो वाला। और तेरी खैर, रुक जा चाचा, ज़्यादा ठंडा नहीं है, बस गुजारा है, लेकिन अच्छी बात है ज़्यादा ठंडा ना होना। जमजम का पानी शिफा है भी, शिफा माशाल्लाह। अब जो है ना इसको मुंह पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, बालों पे लगाएं, शिफा है भाई, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद आयशा है और इधर मक्का वालों का जो मीकात है ना, वो इधर से ही अहराम बांधते हैं उमरा करने के लिए या चाहे हज के लिए आते हैं, जो भी मक्का में रह रहे होते हैं तो उनका इधर से ही अहराम वही बांधते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ना हम मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं और कज़न की गाड़ी सामने खड़ी हुई है, उधर जा रहे हैं और इंशाल्लाह भाई मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में। हम जी तो गए अभी यहाँ से निकल आए थे और हमें जी जुफ़ा, ये राबिक से थोड़ा पहले आता है, अगर मक्का से आओ या मदीना से आओ तो राबिक के बाद आता है। और ये है जी मदीना से जो बंदे आते हैं ना उनका भी मिकात मदीना का लगता है, मदीना के बाद जो बंदे आते हैं उनका मिकात फिर इधर जुफ़ा में होता है, ठीक है ना। अच्छा, हेलो गाइस, एक किलो आ गए थे ना, हमारे कज़न भी हमारे साथ हैं भाई। ये लड़की नहीं है, लड़का है यार, ना कर मैं तबीयत ठीक है नहीं यार, देख लिया है बीमारी वजह तू ला की थी जले, तबीयत खराब कर नहीं लगी को बदन पे हां, तबीयत खराब करने वाला इड्डे ही ले आ गई है ब्लॉग है जमना साथ। अभी जो है ना ये गाला था तो थोड़ा टोर रहे हूं तू। हां ब्लॉग है हमने, अच्छा रखी थारी को ये पूरे ब्लॉग कर समझ लो, राख जलदार नो राख जलदार। तो भाई अभी जो है ना इधर मिकात अल जुफा में खड़े हैं और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये सारे इधर, ये सारे गुसलखाने हैं और ये मस्जिद है सामने वाली और वो शॉप्स वगैरह हैं, उधर से अहराम, चप्पल, बेल्ट, कोई चीज़, नेल कटर हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उधर से जो है ना खरीद सकते हैं। ये गाइस इधर पहले ये रास्ता इधर होता था, इधर गाड़ी रुकती थी, इधर अंदर जाते थे, फिर अभी ना है ना सेटिंग चेंज कर दी, इधर आके रुकती है, स्टॉप इधर बना दिया बस का। हाँ पहले बंद कर दिया, पता नहीं पहले वो उधर था, ये वाला एरिया अभी पार्किंग में आता था, तो मैंने इनको बोला कि चेंज करो। ये हमारी गाड़ी है, ये अली ट्रैक्टर कर रही है पता नहीं क्यों, चलो अभी चलो। मेरा ये
पूरे बदर को सिग्नल ले बस एक ही बदर है गाइस ए सामने फॉरेस्ट है ये पता नहीं की में है ए गाइस ये पहाड़ दे परो फॉरेस्ट है और वो सूफी बदे तो कह नहीं ए हुस्निया है गाइस गाइस ए जीप परो मेरी पे मेरे कफील दिए जी गाइस ए गाइस ए चिट्टा रम वाले प्लास्टर वास्ते ठीक होवे पहाड़ को घेरा हुआ है बादलों ने ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਭ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰ ਰੋਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਬਿਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਫਾਲੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਛੁੜਾਏ ਇਹ ਗਾਈਸ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਤੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖੱਜਾ ਸ਼ੱਜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਰੋ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਮੋਈ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਪਰੋ ਸ਼ਿਰਕਾ ਹੈ ਗਾਈਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗਾਈਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਦਵੇਰਿਆ ਬਣ ਵੈਸੇ ਦਵੇਰਾ ਤੇ ਪਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੋ ਬੰਦ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਈਸ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਥਈ ਆ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਤਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਣੀਆਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਗਾਈਸ ਇਹ ਹੀ ਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਰਕ ماشاءاللہ پرو سورج اندا پتہ دس دا کہ نہیں پیا حیدر بھائی پن سوتے تے میں بنائی پیا ویڈیو تے بلا پچھے تساں کرنے لائک اے وی مستشفی مستشفی جڑا ہسپتال اے نو رنگ تے ہتو کیتے اے دیکھو اے جڑا ہائے نو رنگ تے کڑے میں ہتو کیتے تو دی گل کہ نہیں یقین آوی गाइस सामने लिखड़ी है फुरन तमीज असा उमरा करके आयो असा के आज अपने बत्तन दी रोटी खोसु ए आज ए कनी लिहाजा इने दा पता कीता वने कीता ने ए वे मक्सल आयता गाड़ियां धुइनन फराज धुइनन सामने पंप पे मस्जिद दा पंप पे तक मरा चाचा खड़ा ना यार एक कार भई खड़ी कीता है पेट्रोल पादी पे ए ये कार भई केतला पंप वाला गाइस ए जणा इवे मस्जिद दी मार्केट एडा दे ममतू दा बकाला जंदा खोतर हड़दा खड़ा हाली इदा काम कीदा पए कितना इवे मक्सला कपड़ेला ओदे को धोबी आले ना ए दुकाना गाइस बणवेदा पे नमिया ए इदो खड़े मेरा यार पठान कुरान दी कसम मैं जितो गया ओ तई खड़ा क्या हाल चाचा ए पिछो अम्मा बैठे ते को भी लऊं खुदा चावी ए गाइस हुन है तो डिठे एक पठान खड़ा थिया माशाल्लाह पता नहीं किवें अंदे वेंदे मैं जितो टप्या ए खड़े टमाटर एक टमाटर तो एक वसल पए सालन बन गए कई खत दा कहना यकीन आवी एक सब पंदे रीती गाइस दावत मगे सालन में आप पके सा मग एक टमाटर एक वसल पए यकीन मनो कई खत दा कहना आवे अगर तो आपको ये साधन खावने ते आओ पे वादी आल फ्रेश
बुजुर्गी वाली जींद है। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सा जना अपने घर पहुंच गयो। ए सारे घर दी एंट्रेंस है गरीब खान जो गली आ देन सरे की जबान च। ए हुन वेदे पियो ए साडी गाड़ी खड़ी थई सन्नी लगती है। बाकी जैसा डी एक गाड़ी खड़ी है यकीन मन सो सारे गाड़ियों को बाहर की खड़ी आप सेट खड़ी है हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ए साडी गाड़ी है गाइस। ए मैं गरीब दा कमरा है बस तो कमा अंदर त माहौल ही दिख रहे ना अंदर एक लानत सुती पियो सी। हां जी तो भाई लोगों हम जहां पे पहुंचना था हम पहुंच गए मदीना से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले एक वादी अल फ्रेश आता है तो हम उधर ही हैं और हालत देख रहे हो हालत ख़राब है। और इधर हमारा घर है जहां पे ऐसा समझ लो सऊदी अरब का बचपन जहां पे मेरा गुजरा है तकरीबन 7-7.5 साल मैंने इधर ही काम किया। अभी कंपनी में चला गया हूँ लेकिन जो है ना हमने स्टार्टिंग यहाँ से ही की थी ठीक है ना। पेंट का काम सीलिंग का काम ये भी आपको दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी वो गुड्डू दिखा रहा था ना ये इसको हम लोडिंग गाड़ी के यूज़ करते हैं ठीक है ना लोडिंग गाड़ी के तौर पे। और ये पड़े हुए हैं भाई सिगाला बनाने के लिए और ये पता नहीं किस किस की शलवारें पड़ी हैं। और ये इधर सामान है भाई बिखरा पड़ा है ये देख सकते हो ऐसे समझ लो ये स्टोर रूम है लेकिन इसकी छत नहीं है स्टोर रूम की। अच्छा तो ये बॉक्स है और पंचर भी है। ओए पंचर हो गई है ओए गड्डी गाड़ी तुम्हारी पंचर है। अच्छा इसकी स्टेपनी है लेकिन वो भी पंचर है। ये मेरे छोटे भाई की गाड़ी है निसान सन्नी। और ये कैमरी टोयोटा की हमारे कज़न की। और ये कादिम अली की गुड्डू की गाड़ी माशाल्लाह ये न्यू ली है अभी 20,000 रियाल की। कैसी है गाड़ी है। हाँ गुड्डू मैंने सुना आज व्लॉग बनाया है। आज मैंने बड़े बड़े व्लॉग बनाए इंशाल्लाह कई देख सो तो पसंद हो सन डरे मम दा खोता हारी ताकि रेड दा खड़े यकीन करो बस। ओ क्या दे वो दे मुन्ने को गोलो ना वो अरे मुझे क्यों निकाला। ये एक फनी सराइकी में व्लॉग बन गया है आप लोगों के लिए। एक दो दोस्त बोलते थे कि सराइकी में बात करो तो भैया आज उनकी भी रिक्वेस्ट जो है ना पूरी हो गई है कि भाई हमने सराइकी में भी बना लिया है एक व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं भैया आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा थोड़ा फनी था। और कोई अगर बात बीच में पूरी आ गई हो तो भाई उसके लिए लाइक कर दो हम जी मक्का से आ गए हैं। इन लोगों ने उमरा किया है मैंने तो नहीं किया है लेकिन गंजे नहीं हुए हैं ये गंजे इधर होंगे मेरे ख्याल से। ये सामान वगैरह फराशें तकिए पड़े हुए हैं इधर से निकालेंगे। मेरा बैग ये आ गया भाई। अभी थोड़ा सोते हैं रियाज से आया हूँ तकरीबन 3-4 घंटे ही सोया हूँ बस और कोई नहीं सोया। 2 दिन हो गए हैं और एक ही शर्ट में गुजारा कर रहा हूँ बाकी शर्टें बैग में चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला है मुझे। आज नहाएंगे चेंज भी करेंगे सारा काम हो जाएगा आज इंशाल्लाह। अरे इधर क्या की थी पई कपड़े इस्त्री की थी पई ये जी हमारा भाई अली इधर मेरे से छोटा लेकिन लगता मेरे से बड़ा है। ये मेरे लिए चावल वगैरह लेके आ गए और मैं अभी उठा हूँ नहा धो के फ्रेश हो के नमाज पढ़ी है अभी ज़ोर असर की। तो अभी इंशाल्लाह खाना वगैरह खा के ना फिर मदीना की तरफ रवाना मदीना से फिर रियाज इंशाल्लाह। अभी चावल खाने दो आ जाओ ये जी आलू वाला पुलाव ये थोड़े से प्याज और ये हम जी टेस्ट करते हैं अभी कैसा है। मुबशर पुत्र मज़ा आ गया YouTube ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈਟ ਕਰੇ
अच्छा गाइस हमने जाके ममदू के खोते वाला पूरा हाल सुनना है तो ओंटाड़े ममदू ही को में तो खोता ही को में ममदू के पोतर तो वीडियो मार रहा ए डारे ममदू का पोतरे ए डारे ममदू का कोता है ए डारे ममदू का ये उन्हें बने जाए रिश्तेदार है रिश्तेदार है